हम सब इस दुनिया में रहते हैं और उसके मुख्तलिफ रंग देखते हैं। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी दिन है, कभी रात का अंधेरा है। इसी तरह हमारे मिजाज के अंदर भी तब्दीलियां आती रहती हैं। कभी हम खुश हैं, कभी उदास हैं। इनमें से बहुत सी चीजों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें पसंद करते हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम देखते हैं और हमें पसंद नहीं आती। कभी हमारे अंदर इतना जज्बा होता है कि हम चाहते हैं कि बहुत कुछ कर डालें, और कभी दिल की हालत ये होती है कि छोटा सा काम भी पहाड़ नजर आता है। ये मुख्तलिफ कैफियत इंसान पर गुजरती हैं और हम में से हर शख्स इनका मुशाहिदा करता रहता है। ये इतनी तब्दीलियां, एक ही जमीन पर इतने रंग, इंसान की मुख्तलिफ शक्लें, ये सब कुछ इसलिए है कि इंसान का इम्तिहान लिया जाए, इंसान को आजमा कर देखा जाए कि वो मुख्तलिफ हालात में करता क्या है। क्योंकि जब हमारे अपने अंदर एक खुशी की कैफियत होती है, एक एनर्जी होती है, तो हमें हर काम आसान लगता है और हम करना भी चाहते हैं। सदका खैरात, दूसरों की मदद, खिदमत, बहुत सी चीजें करते हैं। और अगर मर्जी नहीं होती तो नेकी के बड़े बड़े मौके सामने होते और हम नहीं करते। तो इसमें ये सब कुछ अल्लाह के इल्म में है और हम सब भी इन कैफियत को समझते हैं कि हमारे साथ हो रहा है। वो इसलिए रहा है कि हमें आजमाया जाए कि जब हमारा दिल खुश हो तो भी हम नेकी करें, और अगर हमारे अंदर तंगी की कैफियत हो तो भी हम अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रजा और अल्लाह की पसंद के काम करें। अपनी मर्जी और अपनी पसंद को नीचे रखें और अल्लाह की मर्जी को ऊपर रखें। इब्नुल कय्यम कहते हैं कि नमाज में 6 सिफात मुनाफकत की अलामत है। नमाज की तरफ जाते हुए सुस्ती का मुजाहरा करना, रिलक्टेंट होना, दिखावे की नमाज पढ़ना, लेट नमाज पढ़ना, जल्दी जल्दी ठोंगे मारना, जल्दी नमाज पढ़ना, जिक्र कम करना, बाजमात नमाज से पीछे रहना। अब देखिए कि मुनाफकत कितनी बुरी चीज है। तो ये 6 अलामतें जो हैं, ये मुनाफकत की अलामत है। यानी इंसान को फिक्र लग जानी चाहिए अगर इनमें से कोई भी इंसान के अंदर पाई जाती। कौन कौन सी? नंबर 1 सुस्ती, नंबर 2 दिखावा, नंबर 3 ताखीर, नंबर 4 जल्दी जल्दी पढ़ना, नंबर 5 जिक्र कम करना, नंबर 6 बाजमात नमाज से पीछे रहना। ये सब बातें जो है इनकी दलील कुरान और सुन्नत में मौजूद है।